सांसद नहीं पहुंच सकता था। हाँ। कल जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता था हैं, वो पहुंचेगा अब वहाँ, अब वो पहुंचेगा नीचे तबके का जो हाँ जो व्यक्ति है हाँ वो सब अब जाएगा वहाँ, उससे फायदा हुआ। हाँ, बहुत फायदा होगा, एक वरदान साबित हुआ। एक वरदान है ये, चलिए एक वरदान साबित। अच्छा जगत यादव जी, तब अब जाति जनगणना आ गया बिहार और आपकी संख्या भी 14.27% हो गई है, यानी बिहार में बाहुबल है ना जी। अब जाति जनगणना से और लोगों को क्या फायदा होगा ये बताइए। जाति जनगणना से पहले यादव लोग का हम लोग ज्यादा जनसंख्या में हैं। हाँ। हम लोग लालू यादव को वोट देंगे। हाँ। लालू यादव को बनाएंगे, तेजस्वी को बनाएंगे। तेजस्वी जब आएगा, नहीं अभी बना कहाँ है, अभी तो नहीं बना है, पूरे बनेगा अभी चालू हुआ, उसको बनाएगा तब विकास होगा, अभी विकास कहाँ है, अभी चालू हुआ। देखिए बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार यहाँ बिहार का सरकार वही रहेंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज मैं एक मुद्दा लेकर के आया हूँ, जाति जनगणना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े को रिलीज किया गया। के बारे में जानते हैं लोग क्या सोचते हैं कि कितना फ़ायदा होगा जाति जनगणना से बिहार में, इससे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, और लाभ क्या होगा सबसे पहले इनसे जानते हैं। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानेंगे कि सबसे पहले बताइए ये कौन गांव है, ये कौन सा बाजार है? ये पाड़ो बाजार। पाड़ो बाजार कौन सा जिला पड़ता है? ये जम्मू जिला पड़ता है। जम्मू जिला के पाड़ो बाजार है। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलामुद्दीन। अच्छा सलामुद्दीन, तब जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया बिहार में जी। जाति जनगणना से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा बताइए। हम ये नहीं बता सकते हैं लाभ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद निसार अंसारी है। अच्छा निसार अंसारी जी, आंकड़ा मालूम है ना बिहार में आया जाति जनगणना? बिल्कुल, बिल्कुल। कितना है मोहम्मद का? कितना मोहम्मद है ये तो आंकड़ा नहीं मालूम है। अच्छा हाँ। जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? जाति जनगणना से जो है फायदा ये होगा कि निचले स्तर का जो जाति जिसको कहा जा रहा है उसका आबादी बहुसंख्यक वो है। अच्छा। लेकिन फायदा लूट रहा है जो कम संख्या वाला है वो। अच्छा। तो जाति जनगणना से जो है एक रूल बनता है कि भाई जो ज्यादा है उसको उसका जो जरूरत है उसको पूरा किया जाए, यानी तो इससे हम लोगों को फायदा होगा। यानी जाति जनगणना से फायदा? बिल्कुल, फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? जी सर अमीर यादव हुआ। अनिल यादव। अमीर यादव। अमीर यादव जी। जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? क्या सर? जाति जनगणना का रिपोर्ट आया मालूम है? वो सब मतलब न रखते हैं, अपने कमाते हैं। की संख्या कितना है बिहार में? यादव की संख्या परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। आइए इधर साइड हो जाइए रोड से। हाँ। लेकिन इसमें तालमेल नहीं है। क्या तालमेल नहीं है? तालमेल अगर अपने अपने को समझे तब तो कुछ। जाति जनगणना से कुछ फायदा हुआ? फायदा बहुत हुआ, अभी कुछ नहीं है तब, लेकिन जब होगा, क्योंकि इसके जो उद्देश्य इनका है करने का, जब शुरू से ही वर्गीकरण किया गया, जाति बांटा गया और हर लोग जाति पर ही फोकस करते हैं, तो जाति जनगणना से पता चलेगा ना कि पिछड़ी अति पिछड़ी कितना है क्या है, तो उनका भागीदारी होगा ना विकास के काम में। जाति जनगणना बिहार में होना सही है या गलत? बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है। आप इस बात को आंकड़ा जानिएगा कि मेरे घर में कितना पूंजी है, क्या संपत्ति है, तो बिहार सरकार इस चीज को जानना चाहेगी ना कि हम इतना बड़ा जनसंख्या बिहार की है, इसमें कौन क्या है, कौन क्या ये मालूम, यानी फायदा हुआ, फायदा ही फायदा। सुरेश कुमार यादव जी, जाति जनगणना बिहार में होना सही था या गलत? बिल्कुल सही था। सही था तो क्या फायदा होगा? फायदा इससे आरक्षण मिलेगा यानी लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा है ना। जाति जनगणना से हुआ तो लाभ मिलेगा। चलिए, क्या नाम है छोटू? सिंटू कुमार। पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में? 10 में। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री के पाठक। के पाठक शिक्षा मंत्री। अवधेश क्या? अवधेश यादव। अवधेश यादव, जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? जाति जनगणना से फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं मालूम है। देखिए बाबा है, क्या नाम है बाबा? हमसे नहीं होंगे, आप नहीं जानते हैं।
नाम नहीं जानते हैं बाबा, है ना। देखिए इधर क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश यादव, यहाँ यादव की संख्या ज्यादा है क्या? हाँ, सब यादव जी हैं। तब यादव जी की संख्या ऐसे बिहार में ज्यादा है। यादव जनसंख्या जब जनगणना हुआ उससे क्या लाभ होगा? वो तो सरकार जाने क्या लाभ होगा, आपको क्या लाभ होगा? हमको क्या, आज तक कोई लाभ नहीं दिख रहा है। अभी तक तो कुछ लाभ नहीं दिख रहे हैं। अभी कुछ नहीं लाभ देख रहे, लाभ नहीं। जाते जनगणना होना सही था या गलत? अब सही है या गलत है वो सरकार का योजना है। सरकार यानी सरकार है। सरकार जी। आपका क्या नाम हुआ? कामेश्वर यादव। कामेश्वर यादव जी, यहाँ यादव जी ही है एरिया में क्या? सब यादव जी बोल रहे हैं। नहीं, सब बिहार में यादव ज्यादा है। नहीं नहीं, मालूम है ना। हाँ। तब यादव से आप जनसंख्या जो रिपोर्ट आया जाती जनगणना जी, इससे क्या लाभ होगा आपको? लाभ होगा या हानि? हमको तो कोई समझे न, हानि होगा लाभ होगा कुछ और नहीं समझ। कुछ नहीं तो कुछ फायदा होगा जाती जनगणना हुआ बिहार में? हाँ फायदे होगा। क्या फायदा होगा? फायदा होगा, पता चल जाएगा कि कौन जाति कितना है या नहीं। ये तो पता चल गया। चल गया। हाँ तो और क्या फायदा होगा? आपको फायदा नहीं होगा यार, क्या फायदा? विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, ज्यादा बनेगा, जिसको जो बनना होगा वो बनेगा। हाँ हाँ, यानी फायदा ये हुआ ना। चलिए देखिए, ये फायदा हुआ। और यहाँ एक क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइए ना, क्या नाम है? भोला दास। भोला दास, कौन सा दास? रविदास। रविदास, ये बोलिए रविदास। तब रविदास की संख्या कितना है मालूम है? रविदास की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, यादव से भी ज्यादा है? यादव से कम है। तब दुसाद से भी ज्यादा है? दुसाद से भी कम है। कम है ना, तो कह रहे हैं ज्यादा। तब अच्छा, जाति जनगणना हुआ, इससे रविदास को क्या फायदा होगा? आपकी जाति को क्या फायदा? फायदा यही है कि हम चाहेंगे तो अपना जातीय जनगणना कुछ बना सकते। क्या बोलिए? जातीय जनगणना हुआ तो इसमें सब समझ न गया कि कौन कितना प्रतिशत में है। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? देखिए अब इधर दिखाइएगा, क्या नाम है आपका? हमारा रोहित कुमार दास नाम। रोहित कुमार दास, कौन सा दास? रविदास। रविदास चमार। चमार, चमार की संख्या कितना है? कितना दिया था? 63% न। 63% कितना दिया था जी? इसमें और सब आ जाता है ना। 63% वाला नहीं, आपका पर्सनली। अपना पर्सनली अभी कुछ देखे नहीं है गौर। अच्छा कुछ नहीं देखे। अच्छा इससे फायदा क्या करते हैं आप? अरे हम तो भाई बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। जाति जनगणना से जो फायदा होगा उसको बताइए, लोग देखेगा जानेगा। जाति जनगणना से ये होगा कि कल तक जो गरीब आदमी संसद नहीं पहुँच सकता था, कल जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता था, हैं, वो पहुंचेगा अब वहाँ। अब वो पहुंचेगा। अब वो पहुंचेगा। नीचे तबके का जो हाँ छुपा जो व्यक्ति हुआ है, हाँ, वो सब अब जाएगा वहाँ। यानी उससे फायदा हुआ। हाँ बहुत फायदा होगा। एक वरदान साबित है। एक वरदान है ये। चलिए एक वरदान साबित। अच्छा जगत यादव जी, तब अब जाति जनगणना आ गया बिहार और आपकी संख्या भी 14.27% हो गई, यानी बिहार में बाहुबल है ना जी। अब जाति जनगणना से और लोगों को क्या फायदा होगा ये बताइए। जाति जनगणना से पहले यादव लोग का, हम लोग ज्यादा जनसंख्या में हैं। हाँ। हम लोग लालू यादव को वोट देंगे। हाँ। लालू यादव को बनाएंगे, तेजस्वी को बनाएंगे। तेजस्वी जब आएगा, नहीं अभी बना कहाँ है? हाँ? अभी तो नहीं बना है, पूरे बनेगा, पूरे बनेगा, अभी चालू हुआ, उसको बनाएगा तब विकास होगा। अभी विकास कहाँ? अभी अभी चालू हुआ। देखिए बनेंगे, 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 मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार यहाँ बिहार का सरकार वही रहेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री आप बनाइएगा। हाँ जी, तब तो विकास होगा। अब जो है उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाए। देखिए सर आप पागल बोल। और लोग हैं, आपका क्या नाम है? वाजिद है। क्या? वाजिद अली। राजिद अली जी है ना। कितना परसेंट है बिहार में मालूम है? ये तो हमने बता पाएंगे। अच्छा नहीं मालूम है। जाति जनगणना से क्या फायदा हो? जाति जनगणना से जो लोग को फायदा होगा उससे सबको पूरा क्या फायदा होगा? हमको कोई फायदा अभी समझ में नहीं आ रहा। हमको तो कोई फायदा अभी व्यक्तिगत में नहीं समझ में आया अभी तक। समाज को, समाज में भी तभी कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा। लालू यादव आवे कोई फायदा दे तो अलग की बात। अच्छा, लालू यादव आवे फायदा दे तो लालू यादव का सरकार तभी है ये है? क्या चीज पे है? बैसाखी पर है। अभी बैसाखी पर है, यानी आप पूर्ण सरकार आएगा? पूर्ण सरकार आएगा, आएगा पूरा। चलिए देखिए एक मूड में है
कि अब जो है तेजस्वी यादव जो गठबंधन में लाठी पर बैसाखी पर चल रहे थे, अब बहुमत से पूर्ण सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और लोग जानते हैं चाचा क्या नाम है? नागेश्वर यादव। अच्छा, यहाँ यादव जी का ज्यादा बेल्ट है क्या? जी हाँ, पूरे भारत में बेल्ट है, पूरे भारत में, वर्ल्ड में है। तो अब जाति जनगणना हो गया, मालूम है ना? क्या फायदा होगा जाति जनगणना से? फायदा होगा क्या? संख्या सब जाति का गिनाएगा, कितना कौन गिना गया, हम लोग एक नंबर हैं, हम लोग भी जानेंगे। और जान गए, हम लोग लालू के साथ हैं, लालू के साथ देंगे। चलिए, जैसा संख्या है और रहेंगे, इसको कोई हटा भी नहीं पाएगा। रही बात की दो को चार को मिलेगा तो भलो बोलेगा ना, हम इसको बना देंगे, उसको हम बना देंगे, लेकिन जो संख्या है उसको कोई हटाने वाला नहीं है। चलिए, रहेगा। जाति जनगणना से एक और फायदा हुआ यादव जी, जैसे शराब पी करके वो तो गलती कर रहा है, गलती कर रहा है ना। वो तो नीतीश कुमार का गलती है, नीतीश कुमार का गलती है। चलिए और आइए, आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम अर्जुन दास है। अर्जुन दास, तब जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया है, क्या फायदा होगा इससे? फायदा तो सरकार करेगा, हम लोग क्या फायदा होगा? आपकी जाति को फायदा होगा ना? जाति का फायदा होगा, जो सरकार फायदा देता है वही फायदा होता। अच्छा, है और सरकार को जो फायदा देता है, देखिए एक युवा क्या बताते हमें, अरे नाम बताइए ना। ललन शर्मा नाम है। ललन शर्मा कौन शर्मा? लकड़ी का, लकड़ी यानी बढ़ी। ये बोलिए कि बढ़ी, नाई में भी शर्मा होता है, भूमियार में भी शर्मा होता है ना। आप बोलिए कि हम बढ़ी हैं। हमें कह रहे हैं बढ़ी हैं। अच्छा, तब अब जाति जनगणना रिपोर्ट आ गया, बढ़ी का भी आबादी पहले मालूम था नहीं, अब मालूम हो गया है ना। इससे क्या फायदा होगा? कुछ और फायदा होगा, कुछ नहीं फायदा, कुछ और फायदा है, इसे पता चला नहीं। कुछ और हमारे कितने भागीदारी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए कह रहे हैं कुछ नहीं है, क्या चीज कर रहा है? सब जातिवादी हो रहा है, क्या हो रहा है? जातिवादी हो रहा है, यानी सरकार क्यों बांटा जा रहा है? अच्छा, जाति में नहीं बांटना चाहिए। आ जाओ इधर साइड, रोड से इधर बोलिए ना। जाति में नहीं बांटना चाहिए, तो जाति कौन बनाया फिर? वही बात, जाति बना। अरे जाति, चलिए एक मिनट, हम आपका भी बात मान लीजिए, चले बनाया कौन बनाया, कौन बनाया, हमको क्या पता? आपको पता है? पढ़ता है जी। पढ़ा कौन क्लास में? 11 में। 11 में पढ़ रहा है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? बताते हो, कानून मंत्री कौन है? सब नहीं पता। तब फिर पढ़ते हो क्या? जब कानून मंत्री नहीं मालूम है, शिक्षा मंत्री नहीं मालूम है, आप जो क्वेश्चन करो उस वही बात करें। तुम पढ़ाई करते हो ना, अभी तुम बोला जाति में, जाति में कौन बांटा है? जाति में कौन बांटा है? पढ़ता है, पढ़ो, नहीं पता। बाबा साहब के पढ़ो, पता चल जाएगा जाति में कौन बांटा है। आइए इधर आइए, इधर आइए। हाँ देखिये, लोगों का मेरा मुद्दा था कि जाति जनगणना का रिपोर्ट आया, जाति जनगणना से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। लोगों ने अलग अलग राय अपनी रखी। जाति जनगणना से जो निचले तबके का लोग है वो पता चल गया कि अब हमारी आबादी इतना है और हमें भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। कुछ लोगों को कहना था कि नहीं, जाति जनगणना से नुकसान भी हुआ है, आप पूरी रिपोर्ट देखें, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है।